भाई सारे दर्शन कर लिए, अब थोड़ी देर बैठता हूँ। ओके मतलब हेलो गाइस, की हाल चाल है? आगे आपके साथ एक और न्यू व्लॉग लेके। क्या कर रहे हो? सुबह सुबह नहा भी लिया, सब चीज़ कर ली मैंने, दोपहरी में अपना व्लॉग स्टार्ट करा है। और मेरे को और भी कहीं जाना है आज, जैसे पिछले व्लॉग में गया था ना, आज जाना है मेरे को गुड़गांव शीतला माता मंदिर। ठीक है, वहाँ पे मैं पहले भी गया हूँ, एक ही बार गया हूँ, पर वहाँ पे मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। ठीक है, तो आज चलते हैं वहाँ पर, व्लॉग बनाएंगे। ठीक है, और अपनी माता रानी के दर्शन कराएंगे। और देखो यहाँ से सब चीज़ हटा दी, मतलब साइड में कर दी, यहाँ पे कीर्तन होगी। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा काम और कर लूँ, कपड़े वपड़े बिछवा दूँ नीचे, उसके बाद चलते हैं, निकलते हैं। ओके तो गाइस, जाने से पहले अपनी धनों में तेल भरवाने आया था मैं। ठीक है, पेट्रोल तो भरवा लिया, अब हवा भरवा रहा हूँ, मतलब कि टाइम लगेगा थोड़ा सा, हवा भरवा के उसके बाद घर जाकर उसके बाद चलता हूँ। ठीक है, ये देखो गाइस, पूरे में चद्दर 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 चद्दर। ठीक है, तो गाइस निकल गए अपन घर से। ठीक है, और आज ये वाली शर्ट आपने पहली बार देखी होगी ना, क्योंकि मैंने पहली पहनी ही पहली बार है, काफ़ी पुरानी है शर्ट। ठीक है, तो यहाँ से सीधा रिक्शा लटक के मेट्रो, उसके बाद किंगे जाना है पता है, जाके बताऊँगा सीधा। तो गाइस जहाँ पे पिछले व्लॉग में आया था सेम वहीं पर आ गया। ठीक है यार, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं फ्रंट कैमरा नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रंट कैमरा करके ना देखो मेरी आवाज़ कम आएगी, ट्रैफिक की ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे बात करते हैं, क्योंकि ऐसे तो माइक को मैं अपने मुंह पर रख सकता हूँ ना बिल्कुल, तो ट्रैफिक की आवाज़ कम रहेगी, ऐसे मेरी आवाज़ ज़्यादा। लिफ्ट में चल के बात करूँगा, वरना सीधा मेट्रो स्टेशन पर ऊपर पहुँच के बात करूँगा। ठीक है ना, तो चलो वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। ओके तो गाइस आ गया अपन ऊपर, और मेरा कैमरा टकरा है, वीडियो टकरी आ रहा, हो गई सही। हाँ जी, तो चलो अब मेट्रो का टोकन ले लूँ मैं। ठीक है यार, आवाज़ बहुत ज़्यादा चलती है, बाद में बात करूँगा अंदर जा के। ये देखो हमारा स्कूल यहाँ तो स्टार्ट है। ठीक है, और कितनी दूर जाकर गता मैं। ओके अब लेट्स गो सरिता विहार मेट्रो स्टेशन। ठीक है जी, हाँ जी आ गया ना लिफ्ट के अंदर, टिकट ले गए, और एमजी रोड का नहीं मिला, इफ्को चौक का मिला है। पहले मुझे जब मैं पहले गया था तो एमजी रोड मेट्रो स्टेशन था, अब वो एमजी रोड मेट्रो स्टेशन ना इफ्को चौक बन गया होगा शायद, क्योंकि एमजी रोड मेट्रो स्टेशन ही नहीं दिखा रहा, ना ही मैप पे, ना ही किसी चीज़ पे, तो इसीलिए इफ्को चौक। ठीक है, आगे ऊपर हम मेट्रो का वेट करते हैं, पता नहीं आई नो शोर आ रहा होगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए बाद में बात करूँगा, कैमरे को कभी मुँह में घुसा रहा हूँ, इतना दूर रखना चाहता मेरे को। ठीक है, लग रहा हूँ ना बढ़िया सा, बाय बाय। आ गया आपा गुड़गांव। ठीक है जी, मेट्रो में बैठ कर डायरेक्ट, बाइक से भी आ सकता था मैं, पर बाइक पर गर्मी में मर जाता, इसलिए मेरे दिमाग ने सोचा कि भाई मेट्रो से चलो। ठीक है, पर यार मैंने गुड़गांव आए और काफ़ी टाइम हो गया मुझे, लगभग 2-2.5 साल के करीब हो गए, ऊपर मान सकते हो, कम तो नहीं हुआ, हाँ 2-2.5 साल के करीब हो गए, पूरा गुड़गांव चेंज हो गया भाई, डेवलपमेंट आ गई, मतलब कि गुड़गांव में देख लो, मैंने आना क्या छोड़ा, गुड़गांव ने डेवलपमेंट कर ली। ठीक है, लेट्स गो चलते हैं वाड़े को, एग्जिट करते हैं मेट्रो से, और उसके बाद देखना है कहाँ कहाँ पे जाना है, अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा वैसे, क्योंकि मैं मेट्रो से शीतला माता मंदिर नहीं गया, मैं बाइक से गया था। ठीक है, बाहर निकल के बात करते हैं। हाँ जी, इस तरफ से ऑटो जा रहे हैं 10-10 रुपये में, और यहाँ से मुझे बताया एक ने कि बस जाएगी डायरेक्ट शीतला माता मंदिर, 212 नंबर बस है, तो हमने यही सोचा कि बस में चलेंगे। ओके 212 भाई साहब आप ही देख, ये देखो। ठीक है, अब चलो बाय बाय, दिस इज़ द बस की जर्नी। ठीक है, और गुड़गांव का और बस का मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। ठीक है, गुड़गांव की बसों का जो लोग समझ गए वो तो समझ ही गए, समझ आए होना का इस गुड़गांव की बस का और मेरा क्या रिश्ता है, किसी को पता चला हो या ना पता चला हो, मेरी कमों को तो जरूर पता चल गया कि गुड़गांव की बस का और मेरा क्या रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता, 5-6 साल पुराना रिश्ता है। ठीक है, गुड़गांव की बस का, कहाँ की बस का, गुड़गांव की बस का। तो चलो आने दो शीतला माता मंदिर, हम मंदिर पर ध्यान देते हैं और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना। ओके
जय माता दी। वैसे एक चीज़ बताता हूँ, गुड़गांव की बस में मैं पहली बार बैठा हूँ, कसम से भाई पहली बार बैठा हूँ गुड़गांव की बस में। ओके लो भाई, अपनी गुड़गांव की बस जा रही है 212 नंबर। मैंने जैसे कि बता रखा है, बताया है, बता रखा थोड़ी है, बहुत पुराना रिश्ता मेरा इस बस से, गुड़गांव की बस से। गुड़गांव से नहीं है, गुड़गांव तो अलग चीज़ हो गया, पर गुड़गांव की बस से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। ठीक है, 36 का किसी जैसे क्या था, 55-56 का आंकड़ा है गुड़गांव की बस का और मेरा। ओके अब चलो माता रानी के दर्शन कर लेते हैं चल के। ओके तो मंदिर भी चेंज हो गया पूरा। ठीक है, मैं तो 1% भी पहचान में नहीं आ रहा अभी, पूरा का पूरा अलग। पहले तो ये कुछ भी नहीं था जब मैं आया था, 4 साल पहले। हाँ पूरे 4-5 साल हो गए मुझे आए हुए, उसके बाद आ रहा हूँ, तो इसमें चेंज तो होएगा अभी मंदिर। आई डोंट नो आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, पर मैं निकलता हूँ सीधा दर्शन करने माता रानी के। ठीक है, शीतला माता मंदिर ये है, मतलब कि आगे जाके है, अभी तो रास्ता ही चल रहा है। चलो जी अंदर से दर्शन करके तो आ गया माता रानी के, और ये रास्ता भी है शायद, आई थिंक जो मुझे लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे जोत जल रही है, पता मतलब कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था ऐसा जिस टाइम मैं आया था, और भीड़ भी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो तो एक ऐसी नॉर्मल दिन था, मैं आ गया था माता रानी के दर्शन करने। ठीक है, अभी मेरी आवाज़ नहीं आ रही है कि इसमें बैक कैमरा करके बात करूँगा सारी, तो ऐसे तो सही है ना गाइस, ऐसे मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। चलो मैं आशीर्वाद ले लूँ, धूप ले लूँ, और चलते हैं, देखूँगा फिर से अंदर मंदिर में जाऊँगा दर्शन करने या नहीं, देखता हूँ जैसा भी होएगा। ठीक है, जय माता दी। देखो गाइस ये जो जगह है ना, ये पहले बिल्कुल चेंज थी, ये मुझे याद आ गया, यहाँ पर मुंडन होता है। ठीक है, ये पूरी जगह वही है, अब मेरे को पता चला, धीरे धीरे पता चल लिया है, और मंदिर तो चेंज हो ही गया, और मैंने टीका भी लगवा लिया। ठीक है, तो चलो और एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो जो ईंट का बन रहे हैं ना, ये घर बन रहे हैं कि जिसकी इच्छा है कि अपना घर बनवाने की, वो यहाँ पे 20 रुपये देते हैं, ये पंडित जी 20 रुपये लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप घर बना सकते हो अपना। ठीक है, लेकिन हमने नहीं बनाया, क्योंकि यार मेरे पास तो है जो चीज़ है, तो महादेव उस चीज़ को मैं क्यों मांगूंगा। ठीक है ना, वैसे तो मैं कुछ भी नहीं मांगता, मेरे पास सब कुछ दे रखा है आपने। ठीक है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है मेरे पास, हर हर महादेव, माता रानी के नाम, माता रानी। तो इसीलिए मैं सिर्फ दर्शन करने आया हूँ, ना कि कुछ मांगने, क्योंकि मेरे पास हर एक चीज़ है जो इंसान को जीवन में चाहिए होती है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ मोह नहीं है मुझे किसी चीज़ का भी, सब कुछ दे रखा है मुझे भगवान ने पहले ही। ठीक है, पता नहीं इसमें आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। और मेरे महादेव, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदनम् मृत्योर्मुक्ष्यम् अमृतहर हर महादेव। बाबा जय जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। देखो जी मैंने अंदर जाके, मैंने तो मतलब मूर्ति के दर्शन कर लिए थे माता रानी के, अब आपको करवाऊँ। ऐसी हैं, अंदर वीडियो बना सकता था, मैं बहुत पास था, बहुत ही ज़्यादा पास। ये है हमारी माता रानी जिनके मैं दर्शन करना आया था, जो मैंने कर लिए हैं। ठीक है जी, ये तो फोटो है, अंदर थे माता रानी के फ़ोटो, जहाँ पर तस्वीर थी। ठीक है, तो चलो अब करता हूँ आपसे बाद में बात, यहाँ से निकल के थोड़ी देर में। देखो जी ये है मंदिर अंदर जहाँ पे मैं था, वैसे दिख नहीं रहा क्योंकि लोग खड़े हैं बहुत सारे, और माता रानी की तस्वीर भी यहीं पे है। ठीक है, ज़ूम ज़्यादा हो गया, बाय बाय। तो भाई सारे दर्शन कर लिए, अब थोड़ी देर बैठता हूँ। ओके मतलब हाँ धूम में बैठ गया, धूम में मतलब कि कहाँ बैठ गया, मुँह पर धूप नहीं है। ओके अब यहाँ पे बाहर ही गेट है निकलने का शायद। भाई हमारा हाथ जोड़ो। हाँ ओके अब चलते हैं बाहर की ओर, और जहाँ पिछले वाले ब्लॉग में गया था ना मैं, झंडे वाला देवी मंदिर, वहाँ भी होता उड़ाऊँगा अभी, मतलब पहले वहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद घर जाऊँगा। ठीक है, घर पहुँचते पहुँचते मेरे को रात होएगी आज। ओके गाइस टाइम कितना हो रहा है, 5 बजने वाले हैं अभी तो। वैसे चलो भाई निकल रहा है, मैं आपको यहाँ से। ठीक है अब सीधा देखूँगा कैसे जाना है, क्योंकि आ तो गया मैं बस से, गुड़गांव की बस से।
जाते टाइम देखूंगा कैसे जाना है अब। ओके, मेरा जो बेड बना था वो इस दुकान से बना था, ये देखो बेड और अलमारी, अलमारी सामने वाली दुकान से। ठीक है, ये एरिया वो है और यहाँ का मुझे पूरा एरिया पता है वैसे तो, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाना पड़ेगा। इस दुकान से मैंने लोअर लिए थे दो, ठीक है, जो आज तक चल रहा है एक तो, और मैं बैठ गया रिक्शा में। बाय बाय। ये देखो गाइस, मैं और ये ई रिक्शा वाला भैया जो है, भैया कहूँ इसे, अंकल कहूँ, भैया कहते हैं, चल हम दोनों आगे बैठ के ठुमक ठुमक करते हुए पूरा गुड़गांव देखते हुए जा रहे हैं आज। इन गलियों में मैं बहुत घूमा हूँ सच्ची, अपनी धनों पर घूमर वो भी इतनी भी याद है मुझे। ठीक है, मैंने वाइड एंगल कर दिया। अब चलो करता हूँ आपसे बाद में बात। टाटा गाइस, अलविदा, जय हिंद। तो गाइस सॉरी, मैंने फिर से अपना कैमरा ऑन कर दिया और इसलिए करा है, ये वाला जो रोड है ना, ये मैं सोच रहा था पीछे आएगा लेकिन ये रोड सामने सीधा जाके आता है। ये ब्रेकर तो हमेशा ऐसा है जहाँ पे मेरी धन्नो हमेशा उछलती थी। ठीक है, अब गाइस इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर से मेरा व्लॉग कल की तरह बड़ा बन जाए। ठीक है, तो आगे का व्लॉग नेक्स्ट पार्ट में देखना।